हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग ने एचआरएम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले एचआरएम के अंदर एचआरपी किया जाता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है। उसके बाद में जॉब एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद में फिर एचआर मैनेजर जो होते हैं वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन होने के बाद में जब एम्प्लॉय जॉब पे आते हैं तो एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है, और एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करना उसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता है। ना बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है कि एचआरडी के अंदर एम्प्लॉय का ट्रेनिंग इंक्लूड होता है, एम्प्लॉय का करियर डेवलपमेंट इंक्लूड होता है, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, फिर कोचिंग, मेंटोरिंग, सक्सेशन प्लानिंग, की एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो होती है वो एचआरडी के अंदर इंक्लूड होती है। ट्रेनिंग आप सबको पता है, और ट्रेनिंग जो है अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑलरेडी। एम्प्लॉय करियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज को उनके करियर को डेवलप करने के लिए या ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना, वो यहाँ पे एचआरडी के अंदर किया जाता है। परफॉर्मेंस डेवलपमेंट मतलब उनका परफॉर्मेंस जो होता है उसको इम्प्रूव करना। कोचिंग मतलब एम्प्लॉयज को काम सिखाना। मेंटोरिंग मतलब अगर एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको कुछ सीनियर दिए जाते हैं और वो सीनियर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको सॉल्व करते हैं, उनको मेंटोर बोला जाता है। और वो मेंटोर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी हायर पोजिशन खाली होती है तो हायर पोजिशन खाली होने के बाद में वहां पे जो भी नया कैंडिडेट है उसको रिक्रूट करने का, तो वो भी यहाँ पे एचआरडी के अंदर किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट काफी साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वो हायर पोजिशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो एचआरडी के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है उनको ग्रूमिंग किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, ताकि जब भी वो हायर पोजिशन खाली होगी तो वहां पे उस पोजिशन को वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। कि एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना। तो ये सब चीजें जो होती है वो एचआरडी के अंदर इंक्लूड होती है, और इनके बारे में ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ट्रेनिंग क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। सो ट्रेनिंग एक प्लांट प्रोग्राम होता है। ना प्लान प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग जो होता है उसके अंदर सब कुछ प्लान किया जाता है कि किस तरीके से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना है, उनके कौन से स्किल्स को डेवलप करना है, किस तरीके से उनके एटीट्यूड को चेंज करना है, ये सब चीजों का यहाँ पे प्लान किया जाता है। और ये प्लान कौन करते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन और जो ट्रेनर होते हैं वो मिलके ये प्लान बनाते हैं। सो इसके लिए ट्रेनिंग को एक प्लान प्रोग्राम बोला जाता है। और प्लान प्रोग्राम के थ्रू ये क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लान प्रोग्राम करके ये लोग एम्प्लॉयज के नॉलेज को, एटीट्यूड को और स्किल को इम्प्रूव करते हैं। और नॉलेज का मतलब क्या होता है कि नए काम के बारे में वो एम्प्लॉयज को नॉलेज दिया जाता है कि वो काम को कैसे हैंडल करना है, या वो काम के रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज होती है वो एम्प्लॉयज को समझाया जाता है, तो उससे एम्प्लॉयज का नॉलेज जो होता है वो एनहांस होता है। उसके बाद में उनके स्किल्स एनहांस किए जाते हैं, जैसे कि उनको मशीन्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, या जो भी जॉब है उसके टेक्निकल चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि एम्प्लॉय उस जॉब पे अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और तीसरा है उनका एटीट्यूड भी जो होता है वो डेवलप किया जाता है। एटीट्यूड डेवलप करना मतलब क्या, जब एम्प्लॉय किसी भी जॉब पे आते हैं तो उनको एक न्यूट्रल एटीट्यूड होता है कि ये जॉब वो कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन ट्रेनिंग के द्वारा उनका जो न्यूट्रल एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग का मीनिंग कैसे याद रखना है, तो ट्रेनिंग एक प्लान प्रोग्राम है जो एम्प्लॉय के नॉलेज को, स्किल्स को और डेवलपमेंट को एनहांस करने के लिए डिजाइन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग बोला जाता है। सो यहाँ पे ट्रेनिंग के डेफिनेशन भी ये है, जो भी डेफिनेशन आपको सिंपल लगता है वो आप डेफिनेशन को रिफर कर सकते हो। और ये डेफिनेशन जो है वो सेम चीज बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के थ्रू क्या किया जाता है, एम्प्लॉय का नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड जो होता है वो एनहांस किया जाता है, और उसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प होता है। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये दो वर्ड काफी इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, और ये दो वर्ड जो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सो सबसे पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो होता है इनमें ये फर्क ये है कि ट्रेनिंग जो होता है शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, मतलब ट्रेनिंग जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, जैसे कि 1 month के लिए या 15 days के लिए या फिर 3 months, 6 months के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि वहां पे 5+, 10+ ऐसे ईयर्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट किया जाता है। सो ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस।
ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है कि ट्रेनिंग जो होता है वो ऑपरेशनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ऑपरेशनल मतलब जो रूटीन काम होते हैं उनके बारे में। डेवलपमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव पर्पस के लिए, जो बड़े बड़े काम होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाता है। फिर बाद में ट्रेनिंग का एम क्या है, तो ट्रेनिंग का एम ये है टू इम्प्रूव रिक्वायर्ड स्किल्स इन द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल्स है उनको इम्प्रूव करने का, जैसे कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है, मशीन कैसे ऑपरेट करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो ये सारे स्किल जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के अंदर इम्प्रूव किए जाते हैं या बिल्ड किए जाते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय का ओवरऑल पर्सनैलिटी जो होता है वो यहाँ पे इम्प्रूव करता है। फिर बाद में हियर द राइट ट्रेनिंग मेथड इज चोजन टू फिल अप द गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी के अंदर जो भी गैप है, मतलब एम्प्लॉय को यहाँ पे एक तरीके से क्या किया जाता है, जो भी चीजों के बारे में उनको पता नहीं है वो चीजें उनको सिखाई जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है, सो डेवलपमेंट इनिशिएटिव इज जनरली टेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्यूचर सक्सेशन प्लानिंग, एम्प्लॉय को डेवलप इसके लिए किया जाता है कि फ्यूचर में वो एम्प्लॉय जो है वो कंपनी में हायर पोजिशन को टेक ओवर कर सके, इसके लिए एम्प्लॉय को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। जैसे कि सपोज कोई एम्प्लॉय जो है वो जॉब पे नया आया है, या फिर कोई एम्प्लॉय है जिसको प्रमोशन मिल गया है, तो उस केस में उसको क्या किया जाता है, उसका काम जो होता है उसको सिखाया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। लेकिन एक एम्प्लॉय जो है उसको चैलेंजिंग काम देना, उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, फिर बाद में उसको काउंसलिंग वगैरह देना, ताकि वो एम्प्लॉय का ग्रोथ अच्छे से हो और कुछ सालों के बाद में वो एम्प्लॉय जो है कंपनी का जो सीईओ का पोस्ट हो सकता है या दूसरा कोई भी हायर पोस्ट हो सकता है वो टेक ओवर कर ले, इसके लिए डेवलपमेंट किया जाता है। सो ट्रेनिंग जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एम्प्लॉय को उनका जो काम होता है वो समझाने के लिए, और डेवलपमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, जहाँ पे कंपनी फ्यूचर में जो कंपनी की पोजीशन है उसको टेक ओवर करने के लिए एम्प्लॉयज को रेडी करती है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में। अभी हम लोग मेन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो है डिजाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब कंपनी को क्या करना चाहिए, एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना काफी जरूरी है, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर इफेक्टिव होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि आपके जो गोल्स है वो अचीव करने में आपको हेल्प होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेनिंग जो होता है वो एम्प्लॉय के नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को डेवलप करता है, तो उसके लिए आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है काफी इफेक्टिव होना चाहिए, उसमें प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ताकि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो ट्रेनिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। यहाँ पे IBM का एक एग्जाम्पल दिया है कि IBM जो है किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। सो IBM जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज एन अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी दैट हैज बीन अराउंड सिंस 1911। टुडे इट ऑपरेट्स इन मोर देन 150 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, मतलब ये कंपनी जो है वो 1911 में स्टार्ट हुआ था और आज ये कंपनी का बिजनेस जो है 150 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। नीडलेस टू से दैट ड्यू टू इट्स इमेंस पॉपुलरिटी एंड सक्सेस द शेयर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन IBM इज क्वाइट मैसिव नाउअडेज, कमिंग क्वाइट क्लोज टू 4 लाख। मतलब IBM जो है वो इतनी पॉपुलर कंपनी होते जा रही है, सक्सेसफुल कंपनी होते जा रही है, और आज का अगर उनका एम्प्लॉय का फिगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे मोर देन 4 लाख एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहे हैं। विद सच ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर यू कैन इमेजिन हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट मस्ट बी टू पुट द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन टू द प्रैक्टिस बोथ फॉर न्यू एम्प्लॉयज एंड द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, मतलब इनके पास इतने सारे एम्प्लॉयज है तो उनके लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो आप इमेजिन कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ नए एम्प्लॉयज के लिए नहीं, तो पुराने एम्प्लॉयज के लिए भी मैनेज करना उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हाउएवर दिस डिडंट स्टॉप IBM फ्रॉम फोकसिंग क्वाइट एक्सटेंसिवली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कफोर्स इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, एंड इन 2002 द कंपनी वॉज रैंक्ड 4th इन द ट्रेनिंग मैगजीन। द नेम ऑफ द मैगजीन इज The training top 100 list based on their commitment towards the employee training. इसका मतलब ये है कि इतने सारे employees होने के बावजूद भी IBM जो है वो अपने employees को proper training जो है time to time provide करता है, और इनको financial uncertainty face करने के बावजूद भी इन्होंने काफी अच्छे employees को training provide की थी, और 2002 में उनका training magazine के अंदर जिसका नाम था The Training Top 100 उसके अंदर 4th rank आया था। इसका मतलब ये लोग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग के ऊपर कितना फोकस करते हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दिस प्लेसमेंट वॉज वेल डिजर्व एज द कंपनी हैड रिपोर्टेड स्पेंडिंग क्लोज टू $1 billion ऑन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इन द मिड 1990s अलोन। मतलब क्या कि यहाँ पे 1990s के मिड में अगर देखेंगे तो IBM ने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए अराउंड $1 billion जो इतना खर्चा किया था।
In order to attempt to the cut cost towards the end of the 20th century, the company decided to try and incorporate e-learning for the further employee training. मतलब कि अभी यहाँ पे physical training की वजह से थोड़ा cost बढ़ रहा था, इसके लिए उन्होंने employees के लिए e-learning जो है वो introduce किया था. मतलब online learning जो है वो employees के लिए उन्होंने introduce किया. The system was initially intended to be used to train the IBM's new recruited managers. मतलब ये जो e-learning है, ये पहले उन्होंने अपने newly recruited managers से उनके लिए use करने के बारे में सोचा. In the years following the implementation of e-learning, the company had reported saving more than $160 million. मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने e-learning start करके उन्होंने $160 million जो है इतना पैसा जो है वो बचाया था. This is a massive amount of money for such a company considering the time period, and it's all because of the unique way in which the e-learning can help your employees' training efforts. मतलब इन्होंने इतने सारे जो पैसे हो बचा पाए because उन्होंने unique तरीके से यहाँ पे employees को e-learning के through training provide करना continue रखा था. A year later, that same figure rose to $350 million. मतलब क्या कि एक साल के बाद में अगर देखेंगे तो ये जो saving था, जो $160 million था, वो 350 मिलियन तक पहुंच गया. एंड द डायरेक्टर ऑफ IBM Mindspan Solution, जिनका नाम है एंड्रयू सैंडलर, हैड एक्सप्लेन दैट नॉट ओनली हैड द इम्प्लीमेंटेशन सेव द कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बट दैट इट हैड ऑल्सो डिलीवर्ड अ फार मोर इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद अ 5 times मोर कंटेंट देन बिफोर. इसका मतलब IBM Mindspan Solution, ये जो कंपनी के डायरेक्टर से एंड्रयू सैंडलर, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये ई लर्निंग को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने सिर्फ कॉस्ट ही नहीं सेव किया है, तो उसी के साथ साथ उन्होंने एम्प्लॉयज को 5 times बेटर कंटेंट जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड किया. सो इस तरीके से देखो IBM जो है उन्होंने किस तरीके से अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको डेवलप किया और उसको एग्जीक्यूट किया. तो वही यहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन में पढ़ना है कि इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो एक एक रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ. सो पहला है आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड. यहाँ पे कंपनी की और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कंपनी को क्या चाहिए उसके हिसाब से ट्रेनिंग देना, और कैंडिडेट को क्या चीज की जरूरत है उसके हिसाब से ट्रेनिंग देना काफी जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा कि कंपनी को जो चीजें चाहिए वो ट्रेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज को नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो कंपनी के लिए इफेक्टिव या फिर बेनिफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा. या कैंडिडेट को जो चाहिए वो चीजें अगर उनके अंदर ट्रेनिंग के थ्रू इनकलकेट नहीं की जा सकती है, तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव होगा नहीं. फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग एफर्ट जो पूरी तरीके से वेस्ट होंगे. तो यहाँ पे कंपनी की नीड्स और कैंडिडेट की नीड्स को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करना जरूरी होता है. सो यहाँ पे एचआर मैनेजर ने नीड्स को आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना जरूरी है. जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी एम्प्लॉय के कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छे है, लेकिन फिर भी उसको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्यादा अटेंशन पे नहीं करेगा और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उसके लिए उतना ज्यादा फ्रूटफुल होगा नहीं. इसके अलावा अगर सपोज वो कैंडिडेट जो है उसका कंप्यूटर का नॉलेज अगर वीक है, तो उसको कंप्यूटर के बारे में अगर ट्रेनिंग देंगे तो वो ट्रेनिंग उसके लिए काफी इफेक्टिव हो सकता है. सो सबसे पहले है कि इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग की नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको डिफाइन करना काफी जरूरी है कि किन ऑब्जेक्टिव से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट किया जा रहा है. जैसे ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं टू ओरिएंट न्यू एम्प्लॉयज अबाउट द कंपनी पॉलिसी एंड वर्क. मतलब क्या कि नए एम्प्लॉयज को कंपनी के पॉलिसी के बारे में और काम के बारे में समझाना. टू डेवलप न्यू स्किल्स, मतलब एम्प्लॉयज के अंदर नए स्किल्स जो उनको डेवलप करना. टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब काम के तरफ और कंपनी के तरफ एम्प्लॉयज का पॉजिटिव एटीट्यूड जो डेवलप करना. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि काफी सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि जिनका एटीट्यूड न्यूट्रल होता है या नेगेटिव होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए काम के तरफ और कंपनी के तरफ एम्प्लॉयज का पॉजिटिव एटीट्यूड या आउटलुक डेवलप करना जरूरी है ताकि वो होल हार्टेडली काम कर पाए. और एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. चेंजेस जो होते हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं. जैसे कि सपोज कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया, तो ये चेंजेस जो होते हैं वो इनएविटेबल है. वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जा सकता है. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के. ऑब्जेक्टिव की वजह से ये डिसाइड होता है कि क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. जैसे कि किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द न्यू स्किल्स, मतलब एम्प्लॉय के अंदर नए स्किल्स को डेवलप करना है.
तो ऑब्वियसली उस हिसाब से ट्रेनर क्या करेगा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। या फिर अगर सपोज कंपनी के अंदर कोई चेंज आया है, वो चेंज को एक्सेप्ट करवाने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है, तो उस हिसाब से वो चेंज के रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनर अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करेगा। अननेसेसरी दूसरे कोई भी ट्रेनिंग जो है जो एम्प्लॉयज के लिए फिलहाल जरूरी नहीं है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव जब क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, तो उसके हिसाब से ट्रेनर जो है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर। नाउ ट्रेनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेनी को या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो जो भी ट्रेनर सिलेक्ट किया जा रहा है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होने चाहिए। उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो क्या एम्प्लॉयज को समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, वो इफेक्टिव तरीके से सिखा सकते हैं। अब ये ट्रेनर का बेसिकली काम क्या होता है, तो ट्रेनर जो होते हैं वो ट्रेनिंग सेशन की प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग देना है। फिर बाद में वो ट्रेनिंग के लिए लगने वाले टूल्स और एड, मतलब जो जो ट्रेनिंग के लिए चीजें लगेंगी उसको वो डिजाइन करते हैं। उसके बाद में इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना या स्टार्ट करने का काम ट्रेनर का होता है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव तरीके से चल रहा है कि नहीं वो देखने का काम यहाँ पे ट्रेनर का होता है। सो एक क्वालिफाइड, स्पेशलाइज्ड और कॉम्पिटेंट ट्रेनर होंगे तो वो लोग क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली ट्रेनिंग जो है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होते हैं। कैसा जॉब है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो है यूज करना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, किसी पायलट को अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है एयरक्राफ्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पहले दिया जाएगा। मतलब एक आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट बनाया जाता है और उसके अंदर वो पायलट को ट्रेन किया जाता है। वही अगर हम लोग एडवोकेट है, तो एडवोकेट के ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को पता है कि एक मूट कोर्ट होता है, मतलब एक आर्टिफिशियल कोर्ट बनाया जाता है जहां पे आर्टिफिशियल जज होते हैं, आर्टिफिशियल वहां पे लोग होते हैं और वो केस जो होता है वो चलते रहता है, उससे वो एडवोकेट जो है उनको ट्रेन किया जाता है। सो ये सब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हो गए, जहां पे एक्चुअल जॉब के ऊपर उनको नहीं सिखाया जाता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंट बना के या जॉब से दूर लेके जाके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। फिर कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहां पे पहले उनको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाता है, फिर बाद में उनको प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाया जाता है। कुछ जॉब जैसे सेल्समैन है, वहां पे डायरेक्टली उनको ऑन द जॉब सिखाया जाता है, जहां पे सीनियर सेल्समैन जो है वो नए सेल्समैन जो है उनको अपने साथ में लेके जाते हैं और उनको फिर सेलिंग कैसे करना है वो सिखाया जाता है। तो कुछ दिनों के लिए वो जो नए रिक्रूटी होते हैं वो जो सीनियर है उनको ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन करते हैं और किस तरीके से कस्टमर को कन्विंस करते हैं, और उसके बाद में फिर जो नए रिक्रूटीज है उनको फिर वो सेलिंग का काम दिया जाता है। सो ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सो यहाँ पे कौन सा मेथड कौन से जॉब के लिए सुटेबल है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ताकि राइट मेथड को यूज करके एम्प्लॉयज को इफेक्टिव तरीके से ट्रेन किया जा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का कितना टाइम होना चाहिए वो भी यहाँ पे फिक्स करना जरूरी है, बिकॉज ट्रेनिंग जो होता है बहुत ही लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, तो उसके वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको मोनोटोनस लगने लग जाता है, दे गेट बोर। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो उसके वजह से एम्प्लॉयज को ज्यादा कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि काफी सारे ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह होते हैं और वो कोर्सेज जो होते हैं वो एक वीक में या दो दिन में खत्म किए जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, ज्यादा सीखने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ट्रेनिंग सेशन जो है टू लॉन्ग भी नहीं होने चाहिए, टू शॉर्ट भी नहीं होने चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेशन के होने चाहिए। अभी कभी कभी क्या हो सकता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के ट्रेनिंग सेशन हो सकते हैं, जैसे कि पायलट है, तो पायलट को अगर सपोज एयरक्राफ्ट के बारे में सिखाना है तो ऑब्वियसली उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन हो सकता है। लेकिन सेल्समैन को सेलिंग के बारे में सिखाने के लॉन्ग ड्यूरेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में सेल्समैन को सेलिंग के बारे में सिखाया जा सकता है। सो ड्यूरेशन यहाँ पे डिसाइड करना काफी जरूरी है, लेकिन बहुत ही लॉन्ग या बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, या जहां पे लॉन्ग की जरूरत है वहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन को यूज करना चाहिए, जहां पे शॉर्ट ड्यूरेशन की जरूरत है वहां पे शॉर्ट में ही वो ट्रेनिंग को खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो ट्रेनिंग जो इफेक्टिव तरीके से एम्प्लॉयज तक पहुंच पाए। देन नेक्स्ट वन इज एक्टिविटीज ऑफ ट्रेनिंग। एक्टिविटीज ऑफ ट्रेनिंग मतलब क्या, ट्रेनिंग में क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो प्रॉपरली डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि इफेक्टिव तरीके से ट्रेनिंग जो प्रोवाइड किया जा सके। तो पहला एक्टिविटी ये होता है कि ट्रेनिंग जो होता है उसके अंदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशंस होना जरूरी है, उनको दोनों को बैलेंस करना चाहिए। पूरी तरीके से थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दे दी या पूरी तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी थ्योरी पहले बताना फिर बाद में प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करना है। जैसे कि सपोज अगर किसी सेल्समैन का काम है
तो कंपनी पहले उनको थ्योरेटिकली समझाएगी कि प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर को कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे कन्विंस करना है, ये पहले थ्योरेटिकल नॉलेज जो होता है सेल्समैन को दिया जाएगा और फिर बाद में उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में भेजा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन का बैलेंस किया जा रहा है। अगर थ्योरी नहीं देंगे तो प्रोडक्ट क्या है वही नहीं सेल्समैन को समझ में आएगा, या फिर सिर्फ थ्योरी अगर एम्प्लॉयज को समझाएंगे तो उसके वजह से प्रैक्टिकली वो काम कैसे करना है एम्प्लॉय को पता नहीं चलेगा। सो थ्योरी और प्रैक्टिकल सेशन का प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करने के लिए केस स्टडी, ऑडियो विजुअल, मतलब टीवी वगैरह जो होते हैं उसको यूज करना चाहिए, वीडियोस को यूज करना चाहिए, फिल्म्स को यूज करना चाहिए, प्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट गेम्स, ये सब चीजों को यूज करना चाहिए ताकि आपकी ट्रेनिंग जो है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाए। फिर बाद में ट्रेनिंग के लिए लगने वाले टूल्स है, एड्स है, उनको डिजाइन करना, और वो टूल्स जो है वो एकदम सिंपल और मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसे ट्रेनिंग के रिलेटेड कोई नोट्स है तो एकदम सिंपल और मीनिंगफुल नोट्स होने चाहिए, या फिर कोई अगर सपोज पायलट के लिए एरोप्लेन जो है वो डिजाइन किया है तो वो एरोप्लेन जो है वो एकदम सिंपल तरीके का होना चाहिए जिसकी वजह से पायलट को वो एरोप्लेन के बारे में एक्सप्लेन करना काफी ईजी हो जाएगा। सो ये सारी एक्टिविटीज जो होती है उसके बारे में डिसाइड करना ट्रेनिंग सेशन के लिए काफी जरूरी होता है। इसके वजह से ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बाय ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनी मतलब क्या होता है, जिनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया जाता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिनको सिखाया जाता है उनको ट्रेनी बोला जाता है। सो ये ट्रेनी जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सिर्फ उनको ट्रेनर को सुनना नहीं चाहिए बट उनको एक्टिवली फॉलो भी करना चाहिए, वहां पे उनके पास से प्रॉपर प्रैक्टिस करा के लेना चाहिए ताकि उनको ट्रेनिंग सेशन कितना समझ में आया वो पता चल सके। सो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो भी ट्रेनी है उनको प्रॉपर इंसाइट्स मिलेंगे और उनका कॉन्फिडेंस जो बढ़ने में हेल्प होगा। सो यहाँ पे सिर्फ सुनना जरूरी नहीं है ट्रेनिंग सेशन को, तो ट्रेनीज जो है उन्होंने एक्टिव ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए ट्रेनर ने क्या करना चाहिए, उनके पास से अलग अलग एक्टिविटीज करवा के लेना चाहिए। देन प्रोग्रेस रिपोर्ट, ट्रेनर जो है उन्होंने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज का या ट्रेनीज का स्मॉल टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए और उनका प्रोग्रेस जो है वो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट की वजह से क्लियर पिक्चर मिलता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर सपोज प्रोग्रेस रिपोर्ट पे उनका परफॉर्मेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इट मीन्स उनको ट्रेनिंग जो है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव हुई नहीं है। सो यहाँ पे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग होने के बाद में एक स्मॉल टेस्ट कंडक्ट करनी चाहिए या ट्रेनिंग के बीच बीच में ही छोटे छोटे सेशंस का स्मॉल टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए ताकि ट्रेनर को पता चले कि एम्प्लॉय का प्रोग्रेस कितना हो रहा है या उनको जो सी चीजें सिखाई जा रही है वो प्रॉपर समझ में आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट प्रिपेयर करने की वजह से एम्प्लॉय की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस है वो यहाँ पे ट्रेनर को पता चलेगा, तो उसके हिसाब से वीकनेसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। सो जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है तो हर एक एम्प्लॉय का ट्रेनिंग कैसे चल रहा है उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना जरूरी है। जैसे एक छोटा सा सेशन कंडक्ट किया तो उसके बारे में टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए ताकि पता चले कि वो सेशन समझ में आया कि नहीं। उसके बाद में फिर सेकेंड सेशन स्टार्ट करना चाहिए, उसका टेस्ट लेना चाहिए, फिर बाद में थर्ड सेशन और उसका टेस्ट। इस हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय का प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है बनाते जाना चाहिए हर एक सेशन के अंदर, एम्प्लॉय जो है उनको कितना समझ में आ रहा है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट से पता चल सकता है। और लास्ट वाला है रिव्यूइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम को टाइम टू टाइम रिव्यू करना, चेक करते रहना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग जो इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं वो पता करने में हेल्प होता है। सो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, डिजाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है, उसके बारे में मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए। प्लस मैंने यहाँ पे IBM का आपको एग्जांपल बताया कि IBM ने अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रेन किया हुआ है, कितना कॉस्ट वो लोग एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के लिए खर्च करते हैं और किस तरीके से IBM ने ई लर्निंग जो है उसके थ्रू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर याद रखना है और आपको ये डिजाइनिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसके रिक्वायरमेंट के बारे में आंसर लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।